प्रेम प्रसंग के चलते आए दिन दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आती रहती हैं, जिससे समाज में काफी भय का माहौल है। ताजा मामला बरेली के फतेहगंज पूर्वी से सामने आया, जहां सोमवार रात बरगमा के पास गोलियां मारकर एक युवती की हत्या कर दी गई। दरअसल ये मामला लंबे वक्त से चल रहे प्रेम प्रसंग का है। फतेहगंज पूर्वी के एक गाँव की युवती और गाँव के ही रजनेश का एक अफेयर चल रहा था, जिसमें दोनों के बीच शादी की बात भी होती थी, लेकिन घर छोड़कर विवाह करने से इनकार करने पर रजनेश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 20 वर्षीय युवती की हत्या कर दी। युवती के पेट और गले में गोलियां लगी हैं। भाई के मुताबिक हत्या करने से पहले आरोपी ने युवती को बाल पकड़कर घसीटा और कपड़े भी फाड़े। पुलिस के पहुंचने पर युवती के परिजन ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 4 घंटे तक हंगामा किया। वहीं गोलियां मारकर युवती की हत्या करने वाले रजनेश ने एसएसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे वे एसएसपी ऑफिस पहुंचा और थैले में तमंचा लाया, जो कि उसने मेज पर रखा और खुद को सरेंडर किया। उसने कहा कि मैं हत्या का आरोपी हूं और सरेंडर करने आया हूं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मैंने 4 साल उससे प्यार किया था, उसने हमसे बोला था कि शादी मत करना मेरे अलावा किसी और। मैंने कहा नहीं करूंगा, मेरे मम्मी पापा नहीं है सर। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी जमीन बिकवा ली 1 बीघा, और उसके बाद मेरा ऑटो भी बिकवा लिया। ऑटो बिकवाने के बाद में उसने हमसे पैसे भी ले लिए थे, जेवर ऊपर बनवाया था, अब 35,000 रुपये और भी लेके गई थी। अब दूसरे से उसने प्यार कर लिया था, मुझे धोखा दे दिया, तब मैंने उसे मार दिया। उसे प्यार करते थे, ये तमंचा उनके भैया ने ही लाके दिया था, वो मेरे लिए मारने के लिए लेके आए थे तमंचा। उस समय वो लड़की उनसे प्यार करती थी, तब उसने मुझे बताया कि मेरे भैया तुम्हारे लिए मारना चाहते हैं, मेरे परिवार वाले, आप ऐसा करो ये अपने पास रख लो। तो मैंने कहा हम इसके लिए कैसे लेके आएंगे, तो बोले हम लेके आएंगे। तो वो मुझे रात में लेके गई थी, पिछली साल की बात है सर, 2020 में वो मुझे लेके गई थी। यहाँ कैसे आए तुम आज? यहाँ सर मैं खुद अपने आप के लिए सिलेंडर करने आया हूँ यहाँ पे। हाँ सर, ये फतेहगंज गई थी, हम मैं अपनी दुकान चलाता था पकौड़े की, फिर मैं वहाँ पे जाके मैंने इसने देखा।